जिहड़े बंदे साढ़े कि जनाजे तो भुले चुके आ जाते हैं जिन्हों का निकाह नहीं टुटता, अगर वो रह जा तलकीन तक तो तलकीन पढ़द्या असी हला हला अपने जान वाले मोमिन आने कि तू हुणे आउणा हुणे उन्हें आउणा असा जाना है तो उन्हें आ जाए वो जड़े आउणगे ना उन्हां नाल गल करी सुभान अल्लाह उन्हां कोलों डरन की लोड़ नहीं उन्हां नाल आ गल करी वो आखणगे ना तेरा रब कौन है ते तू आखी रबी अल्लाह अल्लाह मेरा रब है ते जदों आखणगे तेरा इमाम कौन है ते आखी अली मेरा इमाम है जदों रब पुछणगे उदों अल्लाह आखी जदों इमाम पुछणगे उदों अली आखी सानू इंज दा भुलेखा लग ही नहीं सकता भी अल्लाह नू इमाम आख छड़ीए ते अली नू रब आख छड़ी भाई कमाल हो गई तेरे नाल असीं ते अपने जान वाले नू ही आने के आखी और यार पांच सवाल ने कबर दे कबर च इंटरव्यू होना है। अच्छा जेड़ा बीए वास्ते अगर मुलाजमत दितियां जान के बीए बच्चे आके मुलाजमत ले जान वो त्रै संदा नाल खड़ते हैं मैट्रिक दी नहीं एफए दी नहीं तो बीए दी डिग्री वो पहले एक दिन बह के तो कागजात जमा करते हैं कि वहाई जाओ अटैस्ट की कापियां ले आई जाओ ठीक है वो कागज़ चैक हो जाते हैं उस तो बाद अगली गल है कि जिदे कागज़ ठीक होंगे ना मैट्रिक दे भी एफए दे भी बीए दी डिग्री उन्होंने आते नहीं इतने बह जाओ वो कई मुंडे वापस जाने की उन्हें कहा यार मेरे कागज़ ठीक नहीं निकले मैं दोबारा चलना यद मतलब कागज़ चैक पहले होंगे ने फिर बिठाया जाता है इंटरव्यू वास्ते दौड़ वास्ते सारे काम बाद होंगे जे पहला कागजात चैक होंगे जी आ जिन्हें जिन्हें नमाजा हशर नू वखाणियां ने ना ये पहला कबर च कागजात चैक होने जी मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे मैं पक्की गल पिया करदा जी अमल ता अमल दे मुतलक सवाल हशर च होना अकीदे दे मुतलक सवाल कबर च होना भाई अकीदे दा सवाल कबर च होना वो पांच सवाल ने अल्लाह कायनात दा वाहिद आहद एक ला शरीक मुमतहन है जिस पेपर आउट कर छड़े जेड़े बंदे पढ़े लिखे ने वो बोलो कई बच्चों को नहीं पता लगा पेपर आउट किवें होंदा जी खैर हो खुदा दी कसम अल्लाह या लो जनाब हलवा तो खीर रख इन्हें दोवों का वो कबर नाल तलक है बोरे वाले मेरा हल होगा सही कोई समझ आ गई लो जनाब मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह पाक इम्तिहान च बंदे नू पाया जरूर है लेकिन इम्तिहान लैंदा नसाब के मुताबिक जिन्हें कोई जोग है उन्ना इम्तिहान लिया बलू हकुम का मतलब है मैं तुहानू अजमाना उस अजमायश वास्ते त्रै गल्लां कीतियां ने ओ ही कर सकदा दुनिया का कोई टीचर कोई मुंतजिम कोई डिप्टी कोई नगरान जमया ही नहीं जिहड़ा नकल कर दे नू वेख लवे तो बर्दाश्त कर जाए आप ना उस पैसे लाए हो आप पैसे ना लाए हो वैसे नकल करता फटक तो उन्हें इम्तिहान चो उठा छड़ते हैं आ त्रै सिफत सिर्फ उस जात च ने नकल करद फटकते उन्होंने फिर इम्तिहान च बंदे बहन नहीं देंगे अल्लाह ओ करीम है जिस चौदह नू सामने रख के आख्या नकल करते जाओ तो पास होंगे जाओ मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे इन्हां दी नकल नूर च नहीं हो सकती बशरीयत च हो सकती ए नूर चो बशर च आए ने इस वास्ते कि बंदे साडे लो वेख के पास हो जाण जिस बंदे ने नकल करनी है तेरा मासूमा दी करे ते जिस मेरी बेटी ने करनी है वो जहरा दी करे इहदा मतलब है नकल जायज है सिर्फ अल्लाह दे इम्तिहान च आंदा तुसी तुहाडे सामने आए ने बशर बन के ये तुहाडे लैवल ते आके ना थले आके तुहाडे निसाब दे मुताबिक काम करनगे वरना जिहड़ा थुके ते खूह मिठे हो जाण उहनूं करूली दी जरूरत ही कोई नहीं ये तुहाडे सामने आके वुज़ू भी करनगे गुसल भी करनगे नमाज भी पढ़नगे रोज़ा भी रखनगे हज भी करनगे करनगे तुहाडे वास्ते इन्हां नूं वेंदे जाओ ते दीन सिखदे जाओ एक ते अल्लाह ये कमाल कीती दूजा अल्लाह कायनात दा वाहिद मुमतहन है जिस पेपर ही आउट कर छड़े पेपर आउट हो जाए तो पेपर हुंदा नहीं
ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ, ਮਨ ਇਮਾਮੋ ਕਾ, ਮਾਂ ਕਿਤਾਬੋ ਕਾ, ਮਾਂ ਕਿਬਲਾ ਤੋਂ ਕਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਕਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰੀਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਥੇਰਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਦਸਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਛੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਲਾ ਲੈ, ਚੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਸ ਫੇਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੇ ਮਹਮੂਦ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਖੀ ਜਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ। ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਕਰੀਮੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਕਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਊਟ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਵਲ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੈਰ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।